दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के मुकाबले में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे बटलर 6 बॉल पर 6 सिक्स लगाने से चूक गए। जी हां दोस्तों, पहले बल्लेबाजी कर रहे राजस्थान रॉयल्स के ओपनर जॉस बटलर ने धीमी शुरुआत के बाद विस्फोटक रुख अपनाया। उन्होंने पारी के 16वें ओवर में युवा ऑफ स्पिनर ऋतिक शौकीन की पहली 4 गेंदों में लगातार 4 छक्के ठोक दिए। इस हमले के बाद ऐसा लगा कि आईपीएल में पहली बार 6 छक्के लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋतिक ने साइड बदलते हुए राउंड द विकेट आकर 5वीं गेंद डाली, जो ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी। बटलर ने इस उम्मीद में इसे छोड़ दिया कि इसे वाइड दिया जाएगा, लेकिन अंपायर ने ऐसा नहीं किया, जबकि रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद वाइड वाली लाइन के बाहर थी और इसे वाइड दिया जाना चाहिए था। अंपायर की इस गलती का फायदा उठाया ऋतिक शौकीन ने लगातार 6 छक्कों के हमले से पहले तो खुद को बचाया और फिर आखिरी गेंद भी उसी लाइन पर रखी, जिसे बटलर ने हवा में खेल दिया, लेकिन इस बार वो लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए। हालांकि बटलर ने 52 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्कों से 67 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो दोस्तों, अंपायर की ऐसी गलती पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देकर चैनल को सब्सक्राइब करें।